दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मजेदार स्टफिंग आलू पराठा। दोस्तों, आपने आलू के पराठे तो कई बार खाए होंगे, यकीन मानिए ये आलू के पराठे आपने इससे पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो आलू के पराठा बनाने के लिए यहाँ पर 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। अब इसमें 1 चम्मच डालकर सॉल्ट डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसका हम डो बनाने के लिए नॉर्मल पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे का डो बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डो बनकर रेडी हो गया है। ना तो ज़्यादा टाइट रखना है डो को, ना ही ढीला ज़्यादा रखना है। तो डो को हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें फ्लेवर देने के लिए कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे 1/2 स्पून चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो स्टफिंग में थोड़ा सा हम चटपटा बनाने के लिए 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर आटे का डो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे हम एक बार हाथों से अच्छे से मसल लेते हैं। तो हम इसमें से आटे से थोड़ा सा पार्ट लेकर इसके हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। इस तरह से हम इसको बनाकर रेडी कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं यही मेन चीज़ है, इस तरह से आपको छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है और दोनों हाथों से इसको बड़ा कर लेना है ताकि स्टफिंग भरने में आसानी हो जाए। तो हम इसमें स्टफिंग भर लेते हैं। यहाँ पर हम 1.5 चम्मच स्टफिंग भर लेते हैं इस तरह से, और इसे हम चारों तरफ से बंद करेंगे। आप देखना आराम इजली से बंद हो जाएगा। जो भी ऊपर की जो भी आटा है उसको ऊपर की तरफ खींचना है, और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल लेते हैं और इसको हाथों से हम प्रेस कर देते हैं इस तरह से। और इसमें सूखा आटा डालकर अच्छे से हल्के हाथों से हम इसे बेल लेते हैं। इधर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप स्टफिंग वाला आलू का पराठा बनाएं तो हल्के हाथों से इसको बेलना है, नहीं तो आलू का पराठा फट सकता है। तो इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी भरकर रेडी कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से आलू के पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेते हैं और सूखा आटा डालकर हम इसको बेलन से हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो इस तरह से आपको हल्के हाथों से बेल लेना है। तो आलू का पराठा बेल लिया है, दोनों आलू पराठे मैंने बेल लिए हैं। तो हम इनको सेक लेते हैं। तो पराठा सेकने के लिए यहाँ पर मैंने तवा के ऊपर पराठा डाल दिया है और अलटते पलटते हम इसको सेक लेते हैं। यहाँ पर हम ऑयल लगाकर अच्छे से सेक लेते हैं। तो दोनों तरफ से हम कुकिंग ऑयल लगा लेते हैं और अलटते पलटते सेक लेते हैं मीडियम फ्लेम पर, नहीं तो पराठा जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आलू का पराठा बन गया है। हम इसी तरह से दूसरा पराठा भी बनाकर रेडी कर लिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आलू का पराठा ना ही कहीं से फटा है, ना ही कोई परेशानी हुई है आलू पराठा बनाने में। बहुत आसानी से आलू पराठा बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग भी अच्छी तरह से चारों तरफ से भरी हुई है। तो आलू का पराठा कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, एकदम से यम्मी आलू का पराठा। आप